मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गणेश, आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास, माय स्कूल नेम इज माउंटेन इंटरनेशनल स्कूल, माय हॉबीज आर टू प्लेइंग क्रिकेट, स्टडिंग एंड टैकोंडो। मैं पढ़ाई में बचपन से बहुत अच्छा हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, मेरा एम क्रिकेटर बनना है। My name is Manju Gulati. I am a mother of Kanish. Before telling anything about my child, I would like to thanks to the full team of KKHT and Varun Bansal sir, those who have provided us such a great platform for the children to explore their hidden talent. Actually, हम देखते हैं कि बहुत सारे reality shows बने हैं जो dancing और music या other activities को promote करते हैं. But ये show वो है जो बच्चों के battle of brain, जिसमें बच्चों का general awareness level भी एक तरह से explore किया जा रहा है. तो इस चीज़ के लिए मैं उनको कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगी और थैंकफुल भी हूँ कि वो बच्चों का इस प्रस्पेक्टिव से भी ध्यान दे रहे हैं. टेलिंग अबाउट माय चाइल्ड कनिश, सिंस चाइल्डहुड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहा है अपनी क्लास के अंदर भी. स्टडी का उसको स्टार्टिंग से ही बहुत क्रेज़ है. उसको क्वेश्चनिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, वो बात बात पे उसको हर चीज़ का मीनिंग जानना है, डेप्थ जानना है. तो मुझे भी नहीं पता था कि वो जनरल अवेयरनेस के अंदर इतना आगे तक जा सकता है. मुझे इतना पता था कि उसको बहुत क्रेज़ है, हर चीज़ क्यूरियस है बहुत ज़्यादा, वो आगे हर चीज़ की डेप्थ में जाने के लिए. वंस KKHD टीम केम टू द स्कूल और हमने फॉर्म फिल किया, एक बिना किसी प्रिपरेशन के बच्चे ने अपने आप ही उसका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इवन फोर्थ राउंड बिना किसी प्रिपरेशन के बच्चे ने खुद ही प्रिपेयर किया और खुद ही क्लियर किए हैं वो सारे राउंड. सो मैं जस्ट विश करती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो ग्रैंड फिनाले तक पहुँचा है और वो इस शो को जीते, अपना स्कूल का नेम और हमारी पूरी फैमिली का जो नेम है वो रोशन करे. बस बचपन से ही नोटी है बहुत वो, और एक्चुअली मैं ही उसको, वो स्टार्टिंग से ही बचपन से ही थोड़ा नोटी रहा है, बट सेल्फ सेंटर्ड बच्चा रहा है. उसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये काम करो या वो काम करो, डिसिप्लिन्ड चाइल्ड रहा है. और जैसे मैं उसको गाइड करती हूँ, वो प्रॉपर उस गाइडेंस को लेता है डेली रूटीन में. वो मेरे घर के कामों में भी हेल्प करता है प्रॉपर, जैसे कि हमें अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे भी, मैं बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मुझे भी स्कूल जाना होता है, तो वो सब घर के कामों में मेरी हेल्प करता है. मेरे साथ ही सुबह जल्दी उठता है और जो भी मैं घर के काम करती हूँ उसके अंदर प्रॉपर हेल्प करता है. ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि वो मेरा बेटा ही है. हम एक फ्रेंड्स की तरह भी रहते हैं, मैं उसके साथ क्रिकेट भी खेलती हूँ, साइकिलिंग भी करती हूँ, तो हम दोनों ही हैं. बट इसके साथ साथ मैं अपनी फैमिली को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ एक
एज अ सिंगल पेरेंट उसकी अपब्रिंगिंग करना मेरे लिए इतना ईजी नहीं था. मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, इन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी साथ. आज वो जिस भी लेवल पे है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी फैमिली का मुझसे ज़्यादा है. जब भी मैं स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए, जब वो छोटा था तो वो घर पे मम्मा ही उसको रखते थे. इस तरीके से हमने आज यहाँ तक पहुँचे हैं. कनिष, क्या पढ़ रहे हो? मैं KKHD के फाइनल KKG पढ़ रहा हूँ. ओके, मैं कुछ सुनूँ इसमें से? पोंगल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु. बीजू इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? त्रिपुरा. व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ केरला? मलयालम. व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका? कन्नड. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ केरला इन इंडिया. दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड फेमस फॉर इट्स स्नेक बोट रेस. ओनम. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ब्राजील, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट एंड सम अदर कंट्रीज. दिस इज करेक्टराइज्ड बाय कलरफुल पैराडस, कार्निवल्स एंड फीस्ट. मार्दी ग्रास. फाइन. व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? टका. एंटर द स्कूल रूम. द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीबॉडी लुक्ड एट हर एंड विद वाइड स्टडीड आइज. बाय दैट टाइम एवरी पीपल हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट हर. वन और टू ऑफ देम हैड इवन कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हर फ्रेंच मेड Marity. She is pretty as other pretty people are, said Jessie, stealing a glance across the room at Sarah. But she makes you want to look at her again. She has tremendously long eyelashes, but her eyes are almost green. Sitting quietly in her seat, waiting to be told what to do. She had been placed near Miss Minchin's desk. She was not accepted at all by the many pairs of eyes watching her. She and was interested and looked back quietly at the children who looked at her. She wondered what they are thinking of and if they like they care for their lessons. After Sarah had sat in her seat in the schoolroom for a few minutes, being looked at by the pupils, Miss Minchin rapped in a definite manner upon her desk. Young ladies, she said, I wish to introduce you to your new companion. All the little girls rose in their places and Sarah also rose. जी नमस्कार जी, मेरा नाम विक्की गुलाटी है. मैं एक शॉपकीपर हूँ और कनिष का मामा हूँ. कनिष जब से पैदा हुआ तब से हमारे साथ ही रहता है. दरअसल हमारे बच्चों के साथ हमें पता नहीं चलता वो हमारा भांजा है, हमारा खुद का बेटा है. दरअसल बहुत वक्त था जब कनिष पैदा हुआ था, बहुत काफ़ी कुछ समस्या उसके तरफ हुई थी, बट वो बच्चा है जो अपने दम पे आज काफ़ी कुछ उसने अचीव किया है. हम जब भी उसे देखते हैं वो स्टडी में लगा रहता है, हमें फील नहीं होता अभी वो बच्चा. हमें अच्छा लगता है बच्चा का आगे जाके ज़िंदगी में कुछ करेगा. पता चला था एक क्विज चल रहा है, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, उस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा, अब वो फाइनल तक पहुँच गया है. मैं भगवान से प्रे करूँगा वो फाइनल को जीते, अपने मम्मा, हमारी फैमिली का, अपने स्कूल का, अपनी सोसाइटी का, सबका नाम रोशन करे. Thank you.
कोई भी फंक्शन होते हैं मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट लेता हूँ। हमारे स्कूल में जीके की क्विज का फंक्शन हुआ था पिछले साल, उसके अंदर मैंने अपना उसकी तरफ से पार्टिसिपेट करा था और हमारा उस फर्स्ट आया था। जब भी मैं घर में फ्री होता हूँ मैं कैरम खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और लूडो खेलता हूँ। कनिष की मामी हूँ। कनिष मेरे बेटे के जैसा ही है और मेरा और कनिष का मामी भांजी वाला तो कोई रिलेशन है ही नहीं, हम तो दोनों एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। और अगर कनिष को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो हम तो गॉड से यही प्रे करेंगे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो, अगर वो सक्सेस होएगा तो हमारा ही नाम रोशन होएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। Thank you.
अच्छा लड़का है, बचपन से ही हमने ही पाला उसको, तो शरारतें भी करता है, थोड़ी बहुत कर लेता है, नानी के साथ इधर उधर भी कर लेता है। बाकी हम भगवान से यही कहूँगी कि भगवान जहाँ यहाँ तक इसको लेके आया है उसको आगे तक लेके जाए, और जो भी इसको इतनी भगवान खुशियाँ दे कि इसको समझे ना खुशियाँ से, जितना भी इन्होंने बचपन से मान लो कि दुख देखा है कुछ भी है उसको भूल जाए बस। बाकी भगवान की यही कह कि सब आगे जाके आगे जाए बस, यही भगवान से दुआ है मेरी बस। उन्होंने हमको फॉर्म दिया था जिसके अंदर मैंने क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करा था। फर्स्ट और सेकंड राउंड हमारे डेरा बसी में ही हुए थे, वो मैंने क्लियर कर लिए। फिर मैं क्वार्टर फाइनल के लिए खरड़ गया था, फिर मैंने वो भी क्लियर कर लिया। फिर मेरे फोर्थ राउंड सेमीफाइनल के लिए मैं पिंजौर गया, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं ग्रैंड फाइनल में पहुँच चुका हूँ। कनिष मेरा भाई है, वो फिफ्थ क्लास में पढ़ता है। हम दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, हम दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, हम दोनों एक ही साथ खेलते हैं। वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, हर बार क्लास में फर्स्ट आता है। जी अब फाइनल राउंड तक पहुंचा है, भगवान से मेरी एक कृपया है कि वो आगे तक जाके जीते। Thank you.
ये एक बच्चा जो कनिष्क है, इसका नेबर हूँ, इसके पड़ोस में रहता हूँ मैं, बचपन से इसे देख रहा हूँ। इसकी आदत है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ढूंढना। बचपन से ये जिज्ञासु बच्चा है और हमने इसे और इसकी मदर को हमेशा मेहनत करते हुए देखा है। इसकी जो असली गुरु है वो इसकी मदर ही है। तो मैं परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये बच्चा इसी तरीके से क्विज जीतता रहे और जिस क्विज के फाइनल में ये पहुँचा है वहाँ भी ये प्रथम स्थान प्राप्त करे। यही मेरी गॉड से प्रार्थना है और चाहता हूँ कि इसकी मदर और ये इसी तरीके से मेहनत कर कर भविष्य में सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले जीत लूँ। मैं अपने स्कूल का, सिटी का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक करता हूँ अपनी फैमिली का, मम्मा का, जो मेरे को मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं अपने मम्मा के कारण ही फाइनल तक पहुँचा। सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे एक टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू KKHD।